टूर्नामेंट के मैदान पर बड़ा मैच होने में कुछ ही देर बाकी। वजीर आजम पानामा लीक्स पर 7 सवालों के जवाब देने को तैयार। कौम की नजरें पार्लियामेंट पर, नवाज शरीफ के रुफका से सलाह मशवरे। वजीर आजम की तकरीर से पहले वो खुद पर लगे इल्जामात का जवाब दूंगा। इमरान खान कहते हैं मियां साहब मासूम तकरीर के पीछे छुप नहीं सकते। इमरान खान ऑफशोर कंपनी समेत हर सवाल का जवाब देंगे। पीटीआई तर्जुमान की मीडिया से गुफ्तगू। शोर नहीं करेंगे लेकिन जबान बंदी पर एहतजाज होगा। ओपोजिशन भी तैयार, हिकमत अमली तय करने के लिए कुछ देर में इजलास होगा। खुर्शीद शाह कहते हैं वजीर आजम को ऐवान में आकर सबकी बात करनी चाहिए। वजीर आजम कौन होगा मुझे पता, अभी नहीं बताऊंगा। स्पीकर साहब की धमकियां दे रहे हैं कि हमें असेंबलियों से निकाल देंगे। असेंबली किसी के बाप की नहीं है। नए वजीर आजम का नाम पता है लेकिन बताऊंगा नहीं। नवाज लीग में फॉरवर्ड ग्रुप बन गया है शेख रशीद का दावा। स्पीकर कौमी असेंबली को भी तड़ी। सिराजुल हक कहते हैं वजीर आजम की असेंबली में तकरीर करने से मसला हल नहीं होगा। हुकूमती ओआरज ओपोजिशन से मुजाकरात करें। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का दो रोजा दौरा चीन। सियासी और अस्करी क्यादत से मुलाकात। अस्करी ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक। अमरीका से F-16 तैयारें न मिलने पर पाकिस्तान का दूसरी मंडियों में जाने का ऐलान। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान में हर किस्म के तालिबान अमन के दुश्मन है। जाफराबाद जहां जेब खान काकड़ की मुबैना तौर पर खुदकुशी। पुलिस के आला हुकाम पहुंच गए, तहकीकात शुरू। दुनिया न्यूज की निशानदही पर कराची में पाबाए कौम की चाय पैदाइश। वजीर मेंशन के इर्द गिर्द कचरा उठा लिया गया लेकिन मुस्तकिल इंतजाम कोई नहीं। चंद ही घंटों बाद दोबारा गंदगी जमा होने लगी। बल्दियाती निजाम ही मसले का वाहिद हल। दुनिया न्यूज की काविश रंग ले आई। मोटापे की शिकार 40 साल गजाला, मुल्तान में इलाज शुरू। तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल। अब्दुल कादिर पटेल की हिफाजत के लिए 2.5 फुट का सिक्योरिटी गार्ड मामूर। मुहाफिज कहता है साहब की जान को खतरा है, साथ आया हूँ। कहना ज्यादती केस में रिहाई पाने वाले मुलजिम पुलिस अफसर के अनोखे अंदाज। सवाल पर सहाफियों को कॉलेज ना जाने के ताने। सबक पढ़ाया, खबर बनाना भी सिखाया।